ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको बताऊंगा 2023 में जो मंत्र बहुत ज्यादा पॉपुलर थे, जिन्होंने एक ही बार में मेरे साधकों का काम बना दिया, आज उन्हीं की एक लिस्ट मैं आपके सामने रखूंगा। इसमें ऐसे ऐसे मंत्र होंगे जो कि बहुत शीघ्र अतिशीघ्र काम करते हैं, और 2023 में जिन मंत्रों से लाखों लोगों के काम बने हैं, ऐसे मंत्र इस श्रृंखला में मैं रखूंगा। तो ये जितने भी मंत्र हैं, इनमें वो अद्भुत शक्ति है जो कि किसी को भी आपके वशीभूत कर सकती है, और लाखों लोगों ने इन्हें आजमाया है, और उसके बाद जाकर ये जो 5 वीडियोस की जो श्रृंखला बनी है, ये मैं आज आपके सामने प्रस्तुत कर पा रहा हूँ। और ये इतने सटीक मंत्र हैं कि एक बार किसी पर लगा दिए जाए तो वो सामने वाला पानी भी नहीं मांगता। तो सबसे पहला मेरा सबसे पसंदीदा मंत्र, जो कि इस साल इसने न जाने कितनों के काम बनाए हैं, तो वो है काला कलवा 64 वीर। बहुत से लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया, बहुत से लोगों ने इसको अपने घर पे किया, तो कईयों ने इसे साध लिया, कईयों को जो है प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी तो मैंने उनकी ठीक कराई। और नंबर 5 पर जो है इस मंत्र को मैं रखूंगा। ये जो है ये बहुत ही तीव्र प्रभाव का है, एक बार किसी पर लग जाए तो वो रात दिन बस साधक की ही माला जपता रहता है। तो इसे जान लेते हैं, इसके प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं। काला कलवा 64 वीर, मेरा कलवा भागा तीर, जहां को भेजो वहां को जावे, मांस मुझे कोछो की आवे, अपना मारा आप ही खावे, चलतवान मारू वहीं की छाती, इतना काम मेरा ना करे तो तुझे तेरी माँ का दूध हराऊं। इसके बाद में आपको जैसे मंत्र आपने पढ़ लिया और उसके बाद जो आपका साथी वो आपके सामने हो, तो एक बार ये मंत्र पढ़कर फूंक मार दीजिए, और मंत्र पढ़ने के बाद अपना जो भी मनोरथ हो वो स्पष्ट कीजिएगा कि मुझे ये चाहिए, मुझे इस तरह का जो है रिलेशन चाहिए, और उसके बाद उसकी तरफ फूंक मार दीजिए। इससे होगा ये कि ये जो प्रकृति है ये आपकी ताल से ताल मिलाएगी, जो आप चाहते हैं वो सब कुछ घटित होना शुरू हो जाएगा, और ना चाहते हुए भी सामने वाला आपके कदमों में नतमस्तक हो जाएगा। मैंने ऐसे ऐसे प्रभाव देखे हैं इस मंत्र के कि पहले ही बार से इसका असर होना शुरू हो जाता है, और सामने वाला जो है वो कितनी ही चतुरता करे, कितना ही बड़ा साधु संत हो, फिर भी इस मंत्र का प्रभाव होके ही रहता है, ये कभी भी रिवर्स नहीं होता। एक बार किसी पर लगा दिया तो लगना ही है, लेकिन इसके लिए आपको चाहिए कि आपके भीतर भी वो सब कुछ, वो सामर्थ्य हो जो कि सामने वाला इसको तोड़ ना पाए। कई बार ऐसा भी होता है कि प्रोनाउंसिएशन जो है वो सही नहीं होती, और फिर मेरे पास लोग आते हैं कि गुरुजी मंत्र काम नहीं कर रहा है। तो इस तरह से मंत्र काम नहीं करेगा। सबसे पहले तो आपको ये सीखना होगा कि इसका गुम्फन कैसे होता है। तो इसीलिए मैं आपको, ये जो आप थंबनेल देख रहे हैं इसमें आपको फोटो दिख जाएगी, इसमें मंत्र लिखा हुआ है, इसको अच्छे से कंठस्थ कीजिए, और उसके बाद जो है इसका जाप आपको करना है। अगर ऐसे ही बिना प्रैक्टिस के अगर आप करोगे तो कोई लाभ नहीं होगा। पहले इसको जो है जानिए, समझिए और इसको कंठस्थ कर लीजिए। आपको पढ़ना ना पड़े, बस जहाँ पर भी आपका साथी आपको दिखे, बस एक बार मन ही मन में इसको बोलकर फिर उसकी तरफ फूंक मार दीजिए, तो सामने वाला जो है वो चाहे कितना ही पत्थर दिल क्यों ना हो, वो भी आपके आगे पानी भरेगा। मैंने ऐसे ऐसे चमत्कार देखे इस मंत्र के कि एक कोई कॉलेज स्टूडेंट था, उसने मुझे बताया कि गुरुजी मैंने सिर्फ एक ही बार ये मंत्र किया था, और देखते ही देखते जो सामने वाला व्यक्ति था वो उसी समय उसके कंट्रोल में आ गया। तो ये बहुत बड़ी बात है इस तरह के चमत्कार होना, और ये जो मंत्र है बड़ा ही प्राचीन और गुप्त रखा गया था ताकि किसी को इसके बारे में पता ना लगे, और कई जगह पर आपको इसका दूसरा वर्जन में मिल जाएगा जिसमें कि बहुत सारी त्रुटियां हैं। तो इन सब चीज़ों को ठीक करके आज मैं आपको बता रहा हूँ जो असली मंत्र है, और वैसे असली मंत्र देते नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने यूट्यूब पर आपको ये असली मंत्र दे दिया है। तो इसकी साधना कीजिए, अगर कोई दिक्कत परेशानी आए तो पहले कॉल कीजिएगा 9992841625 पर, और उसके बाद जो है इसकी साधना शुरू कीजिएगा, क्योंकि
बिना गुरु के ज्ञान नहीं है। जब तक गुरुमुख से मंत्र नहीं लिया जाएगा तब तक ये सार्थक नहीं होते। तो एक बार मुझे या फिर आपका जो भी गुरु है उनसे जाके इसके बारे में पूछिए, अगर उन्हें पता हो तो, क्योंकि इस मंत्र के बारे में मुझे नहीं लगता है किसी को इस मुझसे अधिक किसी को पता होगा। तो आप इसका जो है पूरा पूर्ण ज्ञान लेने के बाद ही इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि मोहिनी के बारे में अभी फिलहाल में जितने हमारे पास मंत्र हैं उतने किसी के पास नहीं। तो एक बार सेवा का अवसर दें और फिर देखिए किस तरह से जो सामने वाला है वो आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे मंत्र की तरफ, जिसने कि 2023 में धमाका मचा रखा था। तो ये जो मंत्र है ये बहुत ही सरल है और ये उन गृहिणियों के लिए है जिनके पति जो हैं बिगड़ैल स्वभाव के हैं, दारू गुटखा शराब बीड़ी का सेवन करते हैं, मारपीट करते हैं और जो है घर में ध्यान नहीं देते हैं। मेरे पास बहुत से ऐसे कॉल्स आते हैं जिनमें कि मानसिक पीड़ा देते हैं ऐसे लोग, गाली गलौज करते हैं और पत्नी की सुनते नहीं है। तो उस जगह पर इस मंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। याद रहे कि ये जो मंत्र है ये सिर्फ महिला वर्ग के लिए है, कोई भी पुरुष इसको ना करे। और ये मंत्र तब काम में आता है जब आप सारा कुछ करके देख चुके हैं, कोई भी जो है काम आपका बन ना रहा हो, उस समय पर इस मंत्र को किया जा सकता है। तो जो महिलाएं हैं वो घर से बाहर नहीं जा सकती हैं मोस्टली केसेस में, तो उसके लिए इस मंत्र को घर पे बड़ी ही आसानी से किया जा सकता है। आपको क्या करना है कि अगर आपके पति बिगड़ैल हैं, आपकी बात ना मानते हों, तो उन पर नकेल डालने के लिए इस मंत्र का प्रयोग बहुत बेहतरीन रहता है। 2023 में ऐसे लाखों लोग थे जिन पर कि इस मंत्र ने सटीक काम किया है। देखते देखते जो सामने वाला व्यक्ति होता है वो आपके कंट्रोल में आना शुरू कर देता है और उसके बाद जैसा आप कहते हैं बिल्कुल वैसा ही करता है। मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं जिनमें कि जो स्त्री है उस पर मानसिक पीड़ा की जाती है, उन पर अत्याचार किया जाता है, उस समय पर कोई भी जो है सामने नहीं आता, उस जगह पर हमारे मंत्र ही काम आते हैं। आप कुछ भी कीजिए, इस मंत्र को सिद्ध कीजिए और उसके बाद जो है ये मंत्र आपके भाग्य सवार देगा। तो करना कैसे, सबसे पहले तो आपको सात्विक रहना है। सात्विक रहिए, कोई भी मादक पदार्थ बीड़ी गुटखा सिगरेट इसका प्रयोग ना करें और मीट मछली इसका त्याग कर दें और उसके बाद इस साधना का प्रारंभ करें। पूर्वमुखी होकर इस मंत्र का आपने 1008 की संख्या में जाप कर लेना है शुक्रवार के दिन। शुक्रवार के दिन जब आप इसका 1008 बार जाप कर लेंगे तो ये सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद कभी भी अपने पति के खाने के ऊपर इस मंत्र को 7 बार या 108 बार जप करके वो खाना उनको खाने के लिए दे दीजिएगा। तो ये जो मंत्र है ये उसमें इन्फ्यूज़ हो जाएगा और जब भी कोई व्यक्ति इस खाने को खाता है तो वो आपके वशीभूत हो जाता है, जैसा आप कहेंगे बिल्कुल वैसा ही वो करता है। और ये लाखों लोगों पर आजमाने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, 2023 में इसके चमत्कार देखकर मैं अचंभित रह गया कि जो लाखों साल पुरानी जो हमारी विद्या है वो आज भी सटीक काम कर रही है। तो आपको क्या करना है कि इस मंत्र का सबसे पहले तो गुम्फन सीख लेना है, किस तरह से आपको इसका प्रोनाउंसिएशन करनी है, क्योंकि अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन ही ठीक नहीं हुई, आप इसका गुम्फन ठीक से कर नहीं पाए तो ये मंत्र काम नहीं करेगा। तो मंत्र है ओम लकीम लकीम, जो भी आपका साथी है उसका नाम, आकर्षाय आकर्षाय स्वाहा। तो ये जो मंत्र है ये आपको इस तरह से जाप कर लेना है और जाप की विधि बहुत ही सिंपल है। आपको पूर्वमुखी होकर इसका जाप करना है, ओम लकीम लकीम साथी का नाम, मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। इस तरह से आपको इस मंत्र का जाप करना है पूर्वमुखी होकर। 1008 की संख्या में जब आप कर लेते हैं तो ये मंत्र सिद्ध हो जाता है और उसके बाद जब भी कभी आपको मौका मिले तो 7 बार किसी भी खाने पीने की चीज़ें मिलाकर अपने पति को दे दीजिए, तो वो जो हैं वो आपके वशीभूत हो जाते हैं।
और याद रखिएगा, जब तक ये अनुष्ठान आप करें तब तक किसी को ना बताएं। अगर बीच में किसी को बता दोगे तो ये चीज़ें जो हैं काम नहीं करेंगी। मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिएगा, ओम लकीम लकीम साथी का नाम मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आपने यथासंभव 1008 की संख्या में जाप करना है, और उसके बाद जब कभी आपको मौका मिले, जब कोई ऐसा शुभ मुहूर्त आए, जब आप अपने पति को कुछ खिला सकें, कुछ पिला सकें, तो उस समय आपको ये जो मंत्र है 7 बार अभिमंत्रित करके खाना खिला देना है। इससे क्या होगा कि वो बस आप ही के रंग में रंग जाएंगे और जैसा आप कहेंगे बिल्कुल वैसा ही करेंगे। अगर किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी आए तो आप कॉल कर सकते हैं 999-2846 पर, और आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं सेम नंबर पर। अगर कोई त्रुटि हुई हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो तो कॉल कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले मंत्र की तरफ। तो ये जो तीसरा मंत्र है ये बहुत ही प्रभावी है। लगभग 15 साल पहले मैंने ये YouTube में डाला था, और उस समय पर ये जो आप जितने भी चैनल्स आप देख रहे हैं इनमें से कोई भी नहीं था, और उस समय से अब तक इसने चमत्कार करके दिखाए हैं। ये मंत्र मैंने लगभग 20 साल पहले इसका जो है मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया था, फिर मैंने इसको YouTube में डाला। तो एक रिसर्च कर रहा था मैं कि ये मंत्र कहाँ कहाँ पर काम करता है, तो मैंने इसको डाल दिया कि पानी पर इसको इन्फ्यूज़ करके आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये पानी पर डालने के लिए मंत्र नहीं था, और न जाने लाखों वीडियो मेरे उसके कॉपी हो गए और उसके ये जो मंत्र है ये पानी के लिए बन गया। लेकिन ये मंत्र पानी के लिए नहीं था, लेकिन इस मंत्र ने पानी पर भी अपना चमत्कार दिखाया है। इस मंत्र को पानी में अभिमंत्रित करके यदि आप किसी को पिला देते हैं तो भी ये बहुत चमत्कारिक रूप से उसको आपके वश में कर देता है। वैसे ही जो मंत्र था ये था दूर से किसी को अपने पास बुलाना, किसी को अपने वशीभूत करना। लेकिन YouTube में मैंने 2 वीडियोस ऐसे डाले थे जिसमें कि इसको पानी में इन्फ्यूज़ कर सकते हैं, ये बस देखने के लिए कि ये काम करता है या नहीं। तो YouTube में उसकी जो है वो वायरल ही हो गया, वो सबने ऐसे ही बनाना शुरू कर दिया। आज भी आप देखेंगे तो मोस्टली जो इस मंत्र के वीडियोस मिलेंगे वो वैसे ही मिलेंगे आपको कि पानी से किसी को वशीभूत कैसे किया जाता है। आप सर्च कीजिएगा, आपको ये मंत्र मिल जाएगा। तो ये मंत्र जो था ये मैंने बहुत सी जगहों पर लगाया है, और मैंने जिस जिस को जिस भी कार्य के लिए ये दिया है इसने अपना काम बखूबी किया है। तो मंत्र बहुत ही सिंपल है, लेकिन जब हम इसका जाप करते हैं तो इसमें त्रुटि होना स्वाभाविक है। तो जब भी इसका जाप करें उससे पहले लगभग 1008 या फिर 2008 जितना आप इसको जाप कर पाएं उतना जाप कीजिए। सिद्धि किस लिए होती है? ताकि आप मंत्र को समझ पाएं। जैसे आप साधना में बैठ रहे हैं तो उससे पहले उसकी सिद्धि करनी पड़ती है, मतलब कि उस प्रैक्टिस से आप उसमें परफेक्शन पा जाते हैं, और जब आप साधना करते हैं तो उस समय पर कोई त्रुटि ना हो, इसलिए आपको उन मंत्रों का इतना सारा गुंफन कराया जाता है, ताकि जब आप साधना में बैठें तो कोई गुंजाइश ही ना रहे कि आप उस मंत्र को गलत बोलें। इसलिए आपकी परफेक्शन के लिए वो सिद्धियाँ कराई जाती हैं। तो जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि कोई भी आपका साथी है वो आपसे रूठ गया हो, कहीं दूर जा रहा हो, या फिर किसी भी तरह का मनमुटाव हो गया हो, तब आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र बड़ा ही सरल है, और ये जो मंत्र है ये मैंने लगभग 30 साल पहले इसका प्रयोग किया था। जब मैं 6th क्लास में था तो मैं बैठा हुआ था चारपाई पर, शाम का समय था, और मैं इस मंत्र का जाप करता था और छोटा मोटा हवन भी कर लेता था। तो क्या हुआ कि मुझे ना अमुक का नहीं पता था कि अमुक किसे कहते हैं, और मैं इस मंत्र का जाप किए जा रहा था, ओम नमो त्रिजट लंबोदर वद्वद, यहाँ पर था, इसके बाद था अमुक, आकर्षाय आकर्षाय स्वाहा। तो मैं क्या कर रहा था कि उस समय लगभग 6th क्लास में मैं था और मुझे नहीं पता था कि अमुक किसे कहते हैं, तो मैं बस इसी को ही रटता जा रहा था, ओम नमो त्रिजट लंबोदर वद्वद अमुक आकर्षाय आकर्षाय स्वाहा। मुझे नहीं पता था कि अमुक की जगह पर किसी का नाम बोलना होता है, तो मैं बस इसी का निरंतर जाप कर रहा था और पूर्ण श्रद्धा के साथ कर रहा था। तो हुआ क्या कि एकदम से एक आवाज़ आई, अमुक की जगह उसका नाम बोलो। तो ऐसी आवाज़ आई और मैं एकदम से डर गया, मुझे लगा कोई मजाक कर रहा होगा। तो मैंने खिड़की के बाहर देखा, खिड़की के बाहर भी कोई नहीं,
फिर मैंने चारपाई के नीचे देखा, चारपाई के नीचे भी कोई नहीं। और यकीन मानिए उस समय मैं इतना डर गया था कि मैं शब्दों में उसको बयां नहीं कर सकता। फिर मैंने क्या किया, कंबल ओढ़ा और मैं सो गया। फिर मुझे लगा कि कोई है जो मेरी इन बातों को सुन रहा है, और कोई है, कोई ऐसी शक्ति है जो कि मेरे साथ में चल रही है। तो फिर मैंने इसका जो जाप है वो शुरू कर दिया, और लगातार उसी समय निरंतर मैं करता रहा इसका जाप, और मुझे पता भी नहीं लगा कब मेरा जो विश था वो पूरा हो गया। लेकिन जो अब तक जो सबसे मतलब अलौकिक जो चीज़ मुझे वो लगी वो यही है कि जब आप किसी मंत्र का जाप करते हैं तो कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो कि आपको सुन रही होती हैं, कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो आपको देख रही होती हैं। तो कभी भी इन मंत्रों का उपहास ना करें, इनका मजाक ना उड़ाएं, और एक दैवीय शक्ति समझकर इनको प्रयोग में लाना चाहिए, और इससे आपके नाना प्रकार के काम सवर सकते हैं, बन सकते हैं। किसी को आकर्षित करने के लिए ये सर्वश्रेष्ठ मंत्र है जो मैंने टेस्ट किया हुआ है खुद, और इतना चमत्कारी इसका असर होता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपके दिल में अगर सच्चा प्यार है और आप मंत्रों में श्रद्धा रखते हैं तो इस मंत्र को कीजिएगा। ये मेरा अनुभूत मंत्र है जो कि 30-40 साल पहले मैंने इसका प्रयोग किया था। बहुत ही गूढ़ रहस्यों से भरा हुआ, मतलब कि इस धरती में कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जिनको ये उजागर कर सकता है, आपके लिए काम करने पर विवश कर सकता है। इसको प्रयोग में लाइएगा। यदि कहीं त्रुटि हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप कॉल कर सकते हो 999-284-1625 पर। और ये बेहतरीन मंत्र है, अब तक का जो भी मंत्र होते हैं अट्रैक्शन के, आकर्षण के, किसी को अपने वश में करने के लिए, किसी को अपने आवेश में लेने के लिए, तो ये सबसे बेहतरीन मंत्र है। आप इसका प्रयोग आँख मूंद के कर सकते हैं। तो अगला मंत्र है कृष्ण जी का, जो कि आपके भीतर एक ऐसी आभा, एक ऐसी कांति ला देता है जिससे कि देखने वाले आपको टकटकी लगाए देखते रहते हैं। यदि आपको सौंदर्य चाहिए, अपने भीतर वो आकर्षण चाहिए, वो चार्म चाहिए कि जो कोई भी आपको देखे वो आपसे वशीभूत हो जाए, एक ऐसी आभा, एक ऐसी कांति, एक ऐसा लावण्य आपके ऊपर आ जाता है जो कि किसी को भी देखते ही साथ आपके वशीभूत कर देता है, तो वो इस मंत्र से आता है। इस मंत्र को लाखों लोगों ने आजमाया है, और मैंने जिस जिस को दिया है उसका काम इसने सटीक किया है। बहुत ही पावरफुल, बहुत ही गूढ़, बहुत ही प्राचीन मंत्र जो कि आप सबका फेवरेट होगा। ये है क्लीम कृष्णाय नमः। बहुत ही छोटा मंत्र, लेकिन इसकी जो पावर्स हैं वो बहुत बड़ी हैं। किसी को अपने वशीभूत करने के लिए इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आइए जानते हैं इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो जो है आपको सात्विक रहना होगा। आपको सभी प्रकार के मादक पदार्थ, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, कोई भी ऐसा मादक पदार्थ आपको प्रयोग में नहीं लाना है। शराब से दूर रहें, मांस मदिरा से कोसों दूर रहें, और एक सात्विक जीवन जिए। जब आप इस तरह का जीवन जीते हैं तो आपके भीतर शक्तियों का घर हो जाता है, शक्तियाँ आपके भीतर आ सकती हैं, जा सकती हैं। और जब आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो आपका जो शरीर है वो शमशान बन जाता है, उसके भीतर सिर्फ बुरी चीज़ें ही प्रवेश कर पाती हैं। तो चाहते हैं यदि आपकी आपके भीतर शक्तियों का जो है वो निवास स्थान हो तो आपको ये सब चीज़ें छोड़नी होंगी। मांस मदिरा का त्याग कर दीजिए आज से ही, और उसके बाद जो है कृष्ण को अपने भीतर, अपने देह में समाहित करने के लिए इस मंत्र का प्रयोग कीजिए। तो आप यदि किसी मंत्र का जाप करते भी हैं या नहीं करते हैं, फिर भी आपके भीतर एक ऐसी कांति आ जाएगी कि सामने वाले आपके वशीभूत हुए बिना रह नहीं पाएंगे। इस मंत्र का 1008 की संख्या में पूर्णिमा की रात में आपने जप करना है, क्लीम कृष्णाय नमः, क्लीम कृष्णाय नमः। और सिर्फ अट्रैक्शन ही नहीं, आपके जितने भी विकार हैं, जितनी भी आपकी कामनाएँ हैं, वो सब पूरी हो जाएंगी। आपके बिगड़े हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे। ये एक वैसा मंत्र है जो कि नकारात्मकता को दूर करके आपके जीवन में सकारात्मक सोच लेके आता है, और अच्छी अच्छी जो शक्तियां हैं जो आपका भला कर सकती हैं उनको आपके जीवन में अट्रैक्ट करता है। आप यदि किसी को अपने वश में करना चाहते हैं, मोहित करना चाहते हैं, तो बहुत ही सरल उपाय मैं आपको बता रहा हूँ।
इस मंत्र को कंठस्थ कर लीजिए और जो भी आपका साथी है उसकी फ़ोटो ले लीजिए, चाहे वो फ़ोन में हो या हार्ड कॉपी हो, उसको देखते हुए इस मंत्र का प्रतिदिन शाम के 4 से 6 बजे के बीच में आपको 108 की संख्या में जाप करना है। जब आप ये जाप करते हैं तो एक दो दिन में ही आपको इसका असर दिखना शुरू हो जाता है। जो भी साध्य होगा वो देखते ही देखते आपकी तरफ इंक्लाइन हो जाएगा। यूँ समझिए कि आपने कुछ ऐसा तंत्र कर दिया है जो कि उसको विवश कर रहा है आपके पास आने में, आपके समीप लाने में ये एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। तो इस छोटे से मंत्र को याद कर लीजिए, क्लीम कृष्णाय नमः, क्लीम कृष्णाय नमः। और जब भी फ्री हो, जब भी आपका मन हो इस मंत्र को जाप करने का, तो जाप कीजिए। जितना अधिक इसका जाप होगा ये उतना ही तीव्र होगा, बहुत ही तीव्रता से किसी को आपकी ओर खींचने के लिए इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। अपने देह में विकारों को दूर करने के लिए इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि इस मंत्र का यदि प्रतिदिन जाप किया जाए तो आपके सारे नक्षत्र ठीक हो जाते हैं। कहीं पर भी कोई ग्रह ऐसा हो जो कि आपके भाग्य में रोड़ा अटका रहा हो तो वो भी स्वतः ही वहाँ से हट जाता है। भगवान कृष्ण की जो असीम कृपा है उसको पाने के लिए भी आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। लगभग 15 साल पहले ये मंत्र मैंने बताया था और लाखों लोगों का काम इसने बनाया है। मेरे संग्रह में ये जो मंत्र है इसका एक विशिष्ट स्थान है। ये जो कुछ मंत्र मैं आज आपको बता रहा हूँ 2023 के, ये लगभग हर साल अपना काम बहुत तीव्रता से करते हैं। तो इनको एक ऐसा विशिष्ट स्थान अपनी फ़ोन में, अपनी डायरी में दीजिएगा कि जहाँ जैसे ही आप कुछ अपनी डायरी खोले तो आपके सामने आपको ये मंत्र मिल जाए, क्योंकि ये ऐसे मंत्र हैं जो सटीक काम करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते। आप इसको आज अगर करना शुरू करते हैं तो एक दो दिन में ही आपको ये अपना असर दिखाना शुरू कर देते हैं। पैसों की दिक्कत आ रही हो, बिजनेस बंद पड़ा हो, दुकानें जो हैं वो बंद हो गई हो और नकारात्मकता ने आपको घेर लिया हो, तब भी ये जो मंत्र है ये बहुत ही सटीक काम करता है। बस आपको क्या करना है कि भगवान कृष्ण पर पूर्ण विश्वास रखते हुए इस मंत्र का जाप करना, निरंतर जाप करना प्रारंभ कर दीजिए। तो कुछ ऐसा घटित होता है जो कि अकल्पनीय है, जिसकी व्याख्या मैं यहाँ पर नहीं कर पाऊँगा। मेरे पास इतने शब्द नहीं है जो कि मैं उस चीज़ को बता पाऊँ। यदि कहीं पर त्रुटि हो, कुछ आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझे कॉल कीजिएगा 9988416625 में, क्योंकि एक थोड़े से इन 20-25 मिनट में इस मंत्र को समझा पाना पॉसिबल नहीं है। इसकी जो व्यथा है वो बहुत बड़ी है, अगर मैं पूरी साल भी ले लूँ तो भी इस मंत्र को समझा नहीं पाऊँगा, इतना पावरफुल है। तो इस श्रृंखला का आखिरी मंत्र जो कि मेरे दिल के बहुत ही करीब है और ये इतना गूढ़, इतना प्राचीन और इतना कारगर है कि इसके बारे में मैं जितना कहूँ कम है। ये पलक झपकते ही किसी को भी आपके वशीभूत कर सकता है। कामदेव का मंत्र है और अपने भीतर इतनी शक्तियाँ समाहित करके बैठा हुआ है कि आप इसकी प्रशंसा किए बिना रह नहीं पाएंगे। एक बार इसको यदि आप कर देते हैं तो सामने वाला आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा, जैसा आप कहेंगे बिल्कुल वैसा ही करेगा। बहुत ही गूढ़ मंत्र है, लगभग 17 साल पहले मैंने इसको पोस्ट किया था और इसके बाद ये इंटरनेट पे जैसे छा सा गया, क्योंकि अभी जो है इंटरनेट पे ऐसे मंत्रों की कमी है जो कि वाकई में काम करते हैं। और उस जगह पर मैंने क्या किया कि जो गूढ़ रहस्य थे वो आम जनता के सामने उजागर कर दिए, क्यों मंत्र काम नहीं करते, किस लिए मंत्र काम करते हैं और इनके जो भेद हैं वो सारे के सारे मैंने इनको समझा दिए हैं। और सबसे प्राचीन और सबसे जो मैं कहूँगा कि पावरफुल मंत्र था वो ये था कामदेव का, जो कि किसी को भी आपके वशीभूत करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। तो इस मंत्र को जान लेते हैं। मंत्र था ओम क्लीम कामदेवाय, प्रेमी का नाम आकर्षाय आकर्षाय नमः। इस मंत्र ने एक ऐसा चमत्कारिक
काम कर दिया जो कि मैं समझ ही नहीं पाया कि इसने ये सब कैसे किया। मैंने जिस चीज को ये मंत्र दिया इसने नाटकीय रूप से उसके जीवन में परिवर्तन लाने शुरू कर दिए। जहां पर आशा नहीं थी वहां पर आशा आ गई, जहां पर वो लोग हताश हो चुके थे वहां पर जो है उनको एक आशा की किरण दिखी और उन्होंने इस मंत्र का जाप जारी रखा। और इसके बाद जो चमत्कार हुए उनको वर्णित नहीं किया जा सकता, उनकी कायाकल्प कर दी है इस छोटे से मंत्र में। तो कामदेव का ये मंत्र है, किसी को भी चाहिए यदि कोई रूट कर चला गया हो, कोई बात ना कर रहा हो, ब्लॉक कर दिया हो या किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही हो तो इसको आप प्रयोग में ला सकते हैं। सर्वप्रथम आपको क्या करना है कि शनिवार के दिन एक दिया आपको जलाना है, दिए पर हाथ रखकर इस मंत्र को 7 बार आपको जाप करना है। जो दिया होगा उसमें तेल आपको तिल का डालना होगा, सफेद तिल जो होते हैं उसका तेल आप डालिए और अग्नि की लौ पर अपना हाथ रखकर 7 बार इस मंत्र का जाप कीजिए। इससे जो है ये सिद्ध हो जाता है। सिद्ध होने का मतलब ये नहीं है कि आपको इसकी सिद्धि मिल गई, जब तक आप इसमें निपुण ना हो जाए, जब तक आप इसको फ्लुएंटली बोल ना पा रहे हो तब तक इसका प्रयोग मत कीजिए। मैं कहूँगा कि 1008 या 2008 बार आप इसका जप कीजिए। जब बिल्कुल ही फ्लुएंसी आ जाए, जब आप इसको आराम से बोल पाए और बिल्कुल भी अटक ना रहे हो उस समय पर इसका जाप शुरू कीजिएगा। जब ये निपुणता आप में आ जाए तो शनिवार के दिन आपको पूर्व मुखी होकर अपने नीचे लाल आसन बिछाकर एक अनार की कलम आपको लेनी है, उससे क्लीम का बीज मंत्र जो है वो आपको भोज पत्र पर अंकित कर लेना है और उसके बाद उसको अपने हथेली पर रखकर इस मंत्र का जाप करना। इस मंत्र से कामदेव जो है वो आप पर मेहरबान हो जाएंगे, आपकी जो क्वेरीज हैं उनको सुनना शुरू कर देंगे और जो भी आपकी दिक्कत परेशानियां हैं उनको पलक झपकते ही दूर कर देंगे। यदि किसी को अपने वश में करना हो, किसी को अट्रैक्ट करना हो और आप सारे दाव पेच लगा कर देख चुके हैं लेकिन कुछ भी काम ना कर रहा हो तो आखिरी हथियार ये है, ये रामबाण इलाज है। यदि कहीं पर भी कुछ काम ना बन रहा हो तो ये जो मंत्र है ये अपना काम बखूबी करके दिखाएगा। लगभग 17 साल पहले ये मैंने मंत्र दिया था और जिस जिसको ये मैंने दिया है उसके लिए इसने अपना काम पूरा करके दिखाया, बशर्ते आपके दिल में सच्चा प्यार हो और किसी को आहत करने के लिए, किसी का बुरा करने के लिए आप ये ना करें, क्योंकि ये जो चीज है ये रिवर्स भी हो जाती है। जब आप किसी का अहित करते हो तो ये चीजें अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर देती है। किसी का भी कोई भी अहित ना करें और किसी को प्रेम पूर्वक पाने के लिए यदि आप इसका प्रयोग करते हैं तो ये बहुत ही बड़ी विद्या है जो कि आप अर्जित कर सकते हैं। बस इसका जाप कीजिए और इसके बाद देखिए किस तरह से सामने वाला जो है वो आपके प्यार में बावरा हो जाएगा। वो दिन दिखेगा ना रात, बस आप ही के प्यार की माला जपता रहेगा। मैंने तो ऐसा भी देखा है कि कई लोगों ने मुझे बताया कि जैसे ही उन्होंने ये मंत्र शुरू किया तो सामने वाला जो है वो उनके घर के बाहर आके खड़ा हुआ। ये सुनकर मुझे भी आश्चर्य हुआ, लेकिन ऐसा होता है, ये इतना तीव्र होता है कि सामने वाला जो है वो रोता रहेगा। जब तक आप नहीं दिखेंगे सामने वाला रो रो कर अपनी आंखें सुजा लेगा लेकिन आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो इसको कभी भी किसी का अहित करने के लिए ना करें वरना ये चीज़ें रिवर्स भी हो सकती है, किसी की हानि ना करें। और इस मंत्र में यदि कोई दिक्कत आ रही हो, कोई त्रुटि आ रही हो, कोई ऐसा शब्द हो जो आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9999284 1625 पर। और किसी भी तरह का यंत्र मंत्र तंत्र यदि आपको चाहिए तो जाइएगा kaliwidya.com पर। यहाँ पर जितने भी तंत्र हैं, जितना कुछ है वो सारा कुछ सिद्ध है। यदि आपको ऐसा कुछ चाहिए जो कि आपको मिल ना रहा हो और वो भी आप मुझे kaliwidya.com पर मेल कर सकते हैं और मेरी मेल आईडी रहेगी info@mohiniwidya.com। तो आशा करता हूँ कि ये जो मंत्र हैं ये आपके जीवन में एक पॉजिटिव इफेक्ट लेकर आएंगे और आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तंत्र को अधिक जानने के लिए kaliwidya.com पर जाएं और वहां से हमारे कोर्सेज हैं वो आप कर सकते हैं। षटकर्म आपको सिखा सकते हैं ऑनलाइन, आपको
कर्मकांड वहां से मिल जाएंगे। किसी भी तरह का कोर्स आपको करना हो तो मुझे मेल कर सकते हैं। धन्यवाद।